Hello guys, namaste, vanakkam, sastriya akal, kemcho, assalamu alaikum. This is Yuvraj and you are watching the Yuvraj vlog. So guys, आज का विषय ऐसा गंभीर हुआ है कि अपने को बनाने जाना है रेडिएटर गाड़ी का, और मेरा ड्यूक का कुछ दिन से बहुत तकलीफ में दर्द, मैंने 4 दिनों के 4 दिन से गाड़ी नहीं चलाया हूँ. मेरा ड्यूक का रेडिएटर बहुत ही, यानी पूरा कूलेंट लीक हो गया था, पूरा लीक ही हो रहा था. एक्चुअल में ऐसा हो गया था कि मैं जहाँ पर गाड़ी लेके जा रहा हूँ तो लीक हो रहा है, लीक हो रहा है. मैंने वहाँ पे एमसील भी लगाया, तो इट सक्सेस, कुछ टाइम तक सक्सेस था, बट अभी ऐसा लग रहा है कि सक्सेस है ही नहीं. तो फिलहाल मैंने सोच ही लिया कि चलो यार डाल ही देते रेडिएटर. तो फाइनली आज जाना है अपने को और डालना है रेडिएटर. सो डेंटन है, चलो चलते हैं. दिस इज अ केटीएम वर्कशॉप, सॉरी बजाज वर्कशॉप है, केटीएम का शोरूम है और ये पाटनी का शोरूम उसके पास जो है रेडी टू रेस. रेडिएटर ओपन्स, ये मेरे गाड़ी का रेडिएटर. ये गाड़ी का रेडिएटर, मेरा ब्रांड न्यू रेडिएटर, जस्ट अभी लिया हूँ. देख सकते हो आप कैसे कैसा है. अनकी का है ब्रेक ऑयल देखो. अनकी, दिस इज माय डिस्पैड. यप. एंड दिस इज फकिंग बुलशिट. ओह माय गॉड. गाइज, मैं आपको पुराना रेडिएटर दिखाना चाहता हूँ कि कितना डैमेज हो गया था. और आप देख सकते हो वहाँ से लीकेज था और वहाँ पर मैंने एमसील लगाया था. देखो, मैंने एमसील बहुत अच्छे से लगाया था, लेकिन फिर क्या करे, कूलेंट गिर ही रहा है, लीकेज हो ही रहा है, बहुत लीकेज हो रहा है. एमसील एक ऐसी चीज़ है कि पकड़ के रखेगी, एडहेसिव है, लेकिन रेडिएटर इतना हीटअप होता है कि उसके बाद नहीं. दिस इज राशिद एंड दिस इज चितेश. ये भैया अभी मिले मेरे को RC के. इनके पास RC 200 है KTM की. सो ही वॉज जस्ट अनक्योर बट फॉर दैट RC. सो ही जस्ट आस्किंग फॉर मी वट इज दैट मेंटेनेंस, वट आर गिविंग योर बाइक्स फॉर गुड हेल्थ एंड ऑल. सो पता है अभी चालू था, अब टाइम था तो बैठे बकर बकर करने और कुछ नहीं. देखते अभी टाइम 5 मिनट बाकी है,
5 मिनट के बाद गाड़ी का काम चालू होगा, बिज हो जाएंगे, उनकी भी गाड़ी पटाख से बन जाएंगी, फिर ये भी निकलेंगे और फिर हम भी, तो मिलते हैं। गाइस, सुबह 12:30 बजे गया था मैं और आने में मेरे को 5 बज गए। जस्ट घर पे आया हूँ, बहुत गंदा थक गया हूँ, वेटिंग रूम में वेट कर करके बहुत थक गया। अच्छा हो गया वो दो फ्रेंड्स, मीन्स फ्रेंड्स नहीं थे, दो अननोन पर्सन थे, उनके पास गाड़ी थी और उन्होंने मेरी गाड़ी देखी कि वो बोले कि भैया सर आप गाड़ी में मेंटेनेंस कैसा करते हो, कि क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जस्ट न्यू बाइक ली थी, उनको कुछ भी नॉलेज नहीं था, तो उनको थोड़ा बहुत नॉलेज दिया कि ऐसा है कि इंजन ऑयल चेंज करना चाहिए, ब्रेक फ्यूल पे ध्यान देना चाहिए, ख़त्म होता है या नहीं, और छोटी मोटी बातें मैंने मीन्स नॉर्मली बातें मैंने बताते गया और कुछ नहीं। उसके बाद वहाँ पर अच्छा खासा टाइम पास हो गया, फिर इतना गंदा बोर हो रहा था क्या करें, फिर फाइनली डन कि ये पूरा काम ख़त्म करके आ गए। गाड़ी का रेडिएटर चेंज हो गया, आज एक काम हो गया, ब्रेक फ्यूल मैंने डाल दिया, सामने का डिस्पैट गया था वो भी मैंने डाल दिया, डिस्पैट डालने के बाद और 3-4 काम ऐसे थे छोटे मोटे बस उनको किया, तो टोटल बिल मेरा निकला 7,621 रुपये, 7621, 7,621 रुपये मेरा बिल निकला। बट आई सेटिस्फाइड दैट कि मेरे इतना बिल निकल के बावजूद मेरे को जो क्वालिटी और सेटिस्फेक्शन मिला है गाड़ी चलाने के बाद, भाई मानना पड़ेगा यार KTM को कि अच्छी सर्विस और जो वर्कशॉप में काम करने वाले जो एलन भाई, हाँ पहली बात कि मेरे गाड़ी का काम सिर्फ और सिर्फ एलन भाई करते हैं, मैं अपनी गाड़ी को सिर्फ एलन भाई को हाथ लगाने देता हूँ, एलन भाई सिर्फ मेरी गाड़ी को हाथ लगाते हैं और कोई भी नहीं लगाते KTM के वर्कशॉप में मेरी गाड़ी को हाथ, और तो थैंक्स अ लॉट एलन भाई, एलन डिसूजा। सो अगर इफ किसी को भी काम पड़े तो शोरूम में जाओ, एलन भाई से मिलो, एलन भाई सब कुछ कर देंगे तुम्हारा, बट इफ अगर तुम अगर सजेस्ट कर रहे हो मेरा नाम तो आपको करीबन मीन्स थोड़ा बहुत तो डिस्काउंट मिल जाएगा और काम भी अच्छा होगा, तो ये मैंने प्रॉमिस करके आया एलन भाई से कि एलन भाई इफ अगर मेरे पहचान वाले कोई आए और मेरा नाम लिए तो कुछ ना कुछ आप उसको डिस्काउंट दीजिए और अच्छा काम कीजिए। तो ही सेड मी कि ये तो मेरा फ़र्ज है, मैं मैकेनिक हूँ, ये मेरा फ़र्ज है कि मैं हर एक गाड़ी अच्छे से बनाऊँ और अच्छे से करूँ, तो मैंने हैंड्स ऑफ किया एलन भाई को, एलन भाई फिर से हैंड्स ऑफ करता हूँ और दिल से शुक्रिया बोलता हूँ कि आपने मेरी गाड़ी बहुत प्यारी बनाई, वो ठीक है कि कॉस्ट थोड़ा महंगा पड़ा मेरे को, कॉस्टली पड़ी, बट चलता है यार, इतने बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है और क्या करें। सो अभी फ्रेश विश होता हूँ और आपको दिखाता हूँ मेरी गाड़ी कैसी बनी है, ठीक है आते। गाइस दिस इज माय न्यू रेडिएटर, ब्रांड न्यू रेडिएटर, ये मैंने डलवाया, कूलेंट भी डाला हूँ इसमें, कूलेंट रेडिएटर न्यू, और सामने के छोटा मोटा काम था, फिर सामने का डिस्पैट गया था, डिस्पैट भी डाला और ब्रेक फ्यूल भी मैंने चेंज किया और छोटे मोटे काम थे, तो मेरे को करीबन 6-7 हज़ार लगे, बट टोटली ब्रांड न्यू बन गई और अब इसको मज़ा आएगा चलाने में।